हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं कौन सा तत्व पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। UIDAI ने आधार से जोड़ा नया सुरक्षा फीचर, धोखाधड़ी से होगा बचाव। जी हां, अगर आप आधार कार्ड के जरिए फिंगरप्रिंट से पैसा निकालते हैं तो अब आपको उससे धोखाधड़ी होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को इस परेशानी से बचाने के लिए आधार कार्ड में नया सुरक्षा फीचर जोड़ दिया है। ऐसे में अब पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS पर अंगूठा लगाते ही पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट लग रहा है वह व्यक्ति जीवित है या फिर उसका देहांत हो चुका है। UIDAI के डेटा के अनुसार आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के जरिए देश में अब तक 1,507 करोड़ से अधिक का बैंकिंग लेन देन हो चुका है। इसमें से 7,54,000 लेन देन में लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है। यह नया सुरक्षा फीचर आधार से होने वाली धोखाधड़ी को बहुत तेजी से पकड़ने के साथ ही दोषियों को पकड़ने में भी मदद करेगा। ऐसे में अब लोगों को आधार से होने वाली धोखाधड़ी से निजात मिल जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत, अब इन 5 नेताओं के नाम आगे। जी हां, राजस्थान कांग्रेस में मची कलह ने अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब खबर है कि अशोक गहलोत गुट के विधायकों की बगावत करने के बाद अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं। जादूगर के नाम से मशहूर गहलोत के बाहर होने से इस दौड़ में अब मुकुल वासनिक, KC वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे राजनीतिक दिग्गज आगे निकलते जा रहे हैं। मुकुल वासनिक महाराष्ट्र कांग्रेस की सीनियर नेताओं में से एक हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और 3 बार के सांसद बालकृष्णा वासनिक के बेटे हैं। बता दें कि राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल हैं। कई सालों से पार्टी के अहम मामलों में KC वेणुगोपाल की मुख्य भूमिका रही है। वेणुगोपाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्र आंदोलन के माध्यम से राजनीति में कदम रखा था। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आने वाले वरिष्ठ नेता हैं, भारत सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा में पार्टी के प्रभारी भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी का गुरु भी माना जाता है। कमलनाथ भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस की मनमोहन सरकार में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई थी। आशा पारेख को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया इसका ऐलान। जी हां, फिल्म जगत से सबसे बड़े सम्मान यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। इस साल ये अवार्ड दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। साहब फाल्के अवार्ड का आयोजन 30 सितंबर को किया जाएगा। 60-70 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय से फैंस के दिलों पर राज करने वाली आशा पारेख को ये अवार्ड एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री में दिए गए योगदान के लिए दिया जाएगा। एक्ट्रेस को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में ये सम्मान दिया जाएगा। आखिरी बार ये अवार्ड 2019 में हुआ था जिसमें साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। 2 अक्टूबर 1942 को आशा का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। गुजराती परिवार में जन्मी आशा ने महज 10 साल की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 1952 में रिलीज हुई फिल्म आसमान में उन्होंने पहली बार बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। दिल्ली में 16 अक्टूबर को बीजेपी की रैली, QR कोड से होगी कार्यकर्ताओं की एंट्री। जी हां, दिल्ली में MCD चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ है लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी दिल्ली में 16 अक्टूबर को बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली को खुद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि इस रैली में QR कोड के जरिए एंट्री मिलेगी। दरअसल रैली में QR कोड से एंट्री कराकर बीजेपी ये जानना चाहती है कि कितने कार्यकर्ता आए और कौन कौन नहीं पहुंचा। इससे पार्टी यह पता लगाने में कामयाब होगी कि उसके कितने कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रमुख आदेश गुप्ता के मुताबिक दिल्ली में इस वक्त करीब 13,000 बूथ बनाए गए हैं। इस रैली में हर बूथ से कम 5 कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके लिए सभी पार्षदों और मंडल अध्यक्षों को रैली में आने वाले 5 लोगों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। रैली में आने वाले उन 5 लोगों को पार्टी
की एक आईडी कार्ड उपलब्ध कराएगी, जिसे वो रैली स्थल पर लगे स्कैनर में स्कैन करेंगे और इससे उनकी डिजिटलाइज्ड हाजिरी लग जाएगी। बता दें कि दिल्ली में इस साल के आखिर तक एमसीडी चुनाव हो सकता है। इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 1 अक्टूबर से होंगे ये 5 बड़े बदलाव, जान लीजिए नहीं तो होगा आपको भारी नुकसान। जी हाँ, बता दें कि 1 अक्टूबर से 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें क्रेडिट व डेबिट कार्ड और म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए कुछ बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ कई जरूरी चीजें हैं जो कि आपको जान लेनी जरूरी है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। इस लिस्ट में पहला बदलाव सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली सरकार की ओर से बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी को 31 सितंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा। ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए नियमों में 1 अक्टूबर से बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के बाद ट्रांजैक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट होगा। पहले की तुलना में डेबिट व क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना अब ज्यादा सेफ होगा। अगला बदलाव म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए है, क्योंकि 1 अक्टूबर से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को अपने नॉमिनी की डिटेल भी देनी होगी या फिर उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। 1 अक्टूबर से आपके रसोई का बजट गैस की कीमतों बिगाड़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 अक्टूबर से रसोई गैस की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लॉन्च हो सकता है। इसके तहत उन सभी कार्यों पर रोक लगाया जा सकता है जो कि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। धरती को बचाने के लिए सफल टेस्ट कर नासा ने रचा इतिहास, एस्टेरॉयड से टकराया स्पेसक्राफ्ट। जी हां, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इतिहास रच दिया है। नासा पहली बार किसी प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट यानी डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाब हुआ है। इस टेस्ट के तहत धरती से करीब 1.1 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में नासा का अंतरिक्ष यान डाइमॉर्फस नाम के एस्टेरॉयड से टकराया। यानी कि अब अगर भविष्य में कभी भी धरती के ऊपर किसी तरह का एस्टेरॉयड हमला होता है तो इस तकनीक के जरिए पृथ्वी को बचाया जा सकता है। नासा ने इस अभियान का वीडियो जारी किया है। डार्ट मिशन 27 सितंबर को सुबह 4:45 पर एस्टेरॉयड से टकराया था। बताया जा रहा है कि डार्ट मिशन का स्पेसक्राफ्ट जिस वक्त डाइमॉर्फोस से टकराया उस वक्त उसकी स्पीड करीब 22,530 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो वहीं डार्ट स्पेसक्राफ्ट से टकराने वाले एस्टेरॉयड की लंबाई 169 मीटर थी। हालांकि टक्कर के बाद डाइमॉर्फोस किस दिशा में मुड़ा इसको लेकर अभी कोई जानकारी नासा को नहीं मिली है। नासा के मुताबिक इसका डाटा मिलने में वक्त लगेगा। बता दें कि भविष्य में पृथ्वी को अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो वह है एस्टेरॉयड, इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे में इस मिशन को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। क्लीन गंगा मिशन की नाकामी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा मिशन पैसा बांटने की मशीन। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेकर तीखी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मिशन सिर्फ पैसा बांटने की मशीन बनकर रह गया है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि आवंटित पैसों से गंगा की सफाई हो रही है या नहीं, इसकी न तो कोई निगरानी की जा रही है और न ही जमीन पर कोई काम होता दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने इसे सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान गंगा प्रदूषण मामले में मिशन के बजट का ब्यौरा मांगने पर सामने आई जानकारी पर यह टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि गंगा सफाई पर किए गए करोड़ों के बजट से काम हुआ या नहीं, तो इस पर कोई जवाब नहीं मिला। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने मिशन से जुड़े हुए अलग अलग बोर्ड और विभागों के हलफनामों पर जानकारी मांगी। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्री की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि साल 2014-15 से 2021-22 के दौरान करीब 11,993 करोड़ विभिन्न विभागों को बांटे गए। इसके साथ ही मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में निगरानी कमेटी बनाई गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, एलजी के खिलाफ सभी पोस्ट हटाने को कहा। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ सोशल मीडिया से तमाम आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट हटाने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल की ओर से दाखिल मानहानि केस में ये फैसला सुनाया है। इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को भविष्य में उनके
और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानि करने वाले आरोप लगाने से रोकने का निर्देश देने की अपील की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। बता दें कि LG विनय सक्सेना ने दिल्ली की नई शराब नीति की CBI जांच कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल के खिलाफ हमलावर थे। कई नेताओं ने तो उन पर करीब 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप तक लगा दिए। PFI के खिलाफ रेड पार्ट 2, 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर NIA का छापा, कर्नाटक में 60 लोग हिरासत में। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक बार फिर से PFI के 8 राज्यों के करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। NIA की यह छापेमारी दूसरे राउंड की बताई जा रही है। इससे पहले 22 सितंबर को मेगा छापेमारी की गई थी, जिसमें केरल से PFI के सदस्य शफीक पैठ को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में खुलासा किया था कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के टारगेट पर थी। NIA को इससे पहले की छापेमारी में जो कुछ जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर 27 सितंबर को 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। NIA समेत अन्य एजेंसियां 8 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। दिल्ली में भी देर रात शाहीन बाग, जामिया समेत कई इलाकों से छापेमारी की गई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। बिहार, झारखंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, हर दिन को एक नई शुरुआत मानो, क्या हो सकता था की बजाय यह सोचो कि क्या किया जा सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।